हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज बात करेंगे कि आप साइडवेज मार्केट में जो ट्रेड करते हैं और जब ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपके साइकोलॉजी में क्या बदलाव आना चाहिए, या साइडवेज मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, और ट्रेंडिंग मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या आज मार्केट जो है सो साइडवेज हो सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। मार्केट पहले हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं मार्केट। तो मार्केट का हमारा दो टाइप हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे तो मार्केट का दो टाइप हो गया। तो यहाँ पे जो है एक हो गया आपका ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग DING, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पे ये कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट। तो अब देखना आप यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या है कि हमारे माइंड जो है आपका, सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट में जो बात करेंगे ना, जो मेन पॉइंट होगा वो साइकोलॉजी पे बात हो रही है। यहाँ पे आपके दिमाग के बारे में बात हो रही है, PSYCHOLOGY। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जब ट्रेडिंग करते करते 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाता है तो अब जाकर के एक प्रॉपर माइंड सेट डेवलप होता है, और आप एक होल पिक्चर क्लियर हो पाती है आपके दिमाग में, तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। पहले तो लोग नुकसान ही करते रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, जितना आसान काम है ना वो उतना ही ये टफ काम है, और ये इतना टफ है कि आपके माइंड की जो है सो हिला के रख देगा ये, मतलब आपका दिमाग सूजा देगा, आपके साइकोलॉजी, आपके जीवन खराब कर देगा। तो एक ये रूल भी समझ लो, नेचर का रूल है कि जो काम जितना आसान होगा ना, वो देखने में जितना आसान होगा वो उतना ही टफ होगा, और जो काम देखने में जितना ही टफ होगा वो करने में आसान होगा। तो अब इस चीज को आपको देखने में तो ये लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन करने में आपके दिमाग का दही कर देता है, और अगर जो काम लगता है कि ये बहुत टफ काम है वो सबसे आसान काम होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट में, तो ट्रेंडिंग मार्केट की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और साइडवेज मार्केट की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। अगर देखना ध्यान से, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मार्केट, ध्यान से सुनना हमारी बात को, मार्केट जब साइडवेज से जब ट्रेंडिंग बनता है तब आपको समझ में नहीं आता है, और आप कम प्रॉफिट बुक करके और बाहर हो जाते हैं, फिर पछताते रहते हैं, टॉप पे फिर ले लेते हैं, फिर आपका पैसा चला जाता है, जो बुक जो कमाए हैं वो भी चला जाता है। एक रिटेलर जो नया ट्रेडर है या जो थोड़ा तीन हो भी गया, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अब जैसे अभी मैं अभी के मार्केट को मैं बताऊं आपको तो क्लियर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखो कि ये मार्केट क्या है, ये मार्केट तो साइडवेज है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो ये पूरा का पूरा मार्केट क्या है, साइडवेज है। ध्यान से समझना बात को, ये मार्केट साइडवेज है। अब इस साइडवेज मार्केट में तुम्हारी साइकोलॉजी तो हो गई है खराब। खराब इसलिए हो गई है क्योंकि तुम 10 पॉइंट 20 पॉइंट बुक कर रहे हो, 10 पॉइंट 20 पॉइंट बुक कर रहे हो। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट में देखो क्या होता है, साइकिल होता है मार्केट की, एक साइकिल है, समझने की कोशिश करना भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत है। मार्केट में पैसा बनाना तो मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है अगर आप समझते नहीं हो तो। देखो तो मार्केट क्या है कि मार्केट के एक साइकिल होता है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में एक साइडवेज मार्केट आता है, और एक साइडवेज मार्केट के बाद में एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं ना। जाहिर सी बात है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आएगा, एक साइडवेज मार्केट के बाद फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट आएगा। तो अगर ट्रेंडिंग मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट आएगा तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में जितना कमाए होगे वो साइडवेज मार्केट में आप लुटा दोगे, पूछो कैसे। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में आपकी साइकोलॉजी बन गई है कि मुझे जो है 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 200 पॉइंट कैप्चर करना है। साइडवेज मार्केट 20 पॉइंट, 10 पॉइंट देके और आपको हर बार एसएल खाते रहेगा, और हर बार आप ट्रेड बनाते रहोगे तो जितना इधर कमाओगे इतना आउट हो जाएगा, वाइप आउट हो गया।
अब सुनना बात को, अब साइकोलॉजी खराब कैसे होती है। अब क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट से जब साइडवेज मार्केट में घुसा तो जितना इधर कमाया इधर चला गया, एक रिटेलर की बात कर रहा हूं मैं, फिर क्या हुआ कि साइडवेज मार्केट में 10-20 पॉइंट लेने लगे, तो जब ट्रेंडिंग मार्केट आया तो आपके हाथ से फिर से वो छूट जाए, क्योंकि साइकोलॉजी दिमाग तो सेट हो गया। देखो एक होता है इनर्सिया का कॉन्सेप्ट, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो इनर्सिया का कॉन्सेप्ट होता है INERTIA। ये क्या होता है इनर्सिया, क्या होता है जिसको जड़त्व का गुण कहते हैं, ये क्या होता है इसको समझना जरा। देखो सारा का सारा गेम दिमाग का है, इसमें आपको पैसे बनाना और हानि और लाभ भूल जाओ, आपकी लड़ाई खुद से है, क्योंकि एक ट्रेड लेने के लिए आप ही एग्रेसिव होकर ट्रेड लेते हो और एक ट्रेड को लॉस बुक करने के लिए आप ही एग्रेसिव होकर या प्रॉफिट आप ही बुक करते हो, कोई दूसरा तो नहीं आता ना आपसे कहने, आपके हाथ से दबा के नहीं कहता नहीं तुम बुक कर ले, कोई नहीं करता। तो यहाँ पे आप ही को समझना और सीखना पड़ेगा तो ही जाके आप एक ट्रेडर बनोगे, अदरवाइज तो भगवान ही बचाए का पता कैसे लोग ट्रेडर बनेंगे। और इतना नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है, इतनी साइकोलॉजी खराब होती है कि बीमारियां हो जाती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। भाई देखो ट्रेडिंग बहुत टफ काम है, मतलब कि 97% लोग फेलियर होते हैं ट्रेडिंग में। देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत टफ काम है। यहाँ पे 97% लोग फेल हो जाते हैं। कितने परसेंट लोग फेल हो जाते हैं? 97% लोग यहाँ फेल होते हैं और 3% लोग पास होते हैं। IAS में 90-95% सक्सेस रेट है, लेकिन यहाँ तो 3% का सक्सेस रेट है, मतलब वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट काम समझ लो कि ट्रेडिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लड़ाई फिर आपसे ही हो जाती है। जनरली जैसे हमें किसी और के साथ लड़ना है तो हमें पता है कि फलना को मारना है, चिल्ला को मारना है, हमें ये पता है ये काम करना है, यहाँ तो आप ही की लड़ाई आप ही से हो गई भाई, तो यहाँ तो पूरा का पूरा दिमाग का खेल हो गया। चलो अभी इस पे आएंगे, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, पहले ये जितना अभी हम बात करते हैं इनर्सिया का। इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया मान लो कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और वह बाइक 70 के स्पीड से चल रही है, अब उसको ब्रेक लगाओगे तो डिस्क ब्रेक है और अचानक से मारोगे तो गिर जाओगे। कोई रेलगाड़ी 70, 80, 200 के स्पीड से चल रही है, अचानक से ब्रेक लगेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और धीरे धीरे लगाओगे तो टाइम लगेगा। तो ये इनर्सिया का कॉन्सेप्ट होता है कि आप सो रहे हो तो आपको कोई जगाने जाएगा ना, तो आप एकदम रेसिस्ट करोगे आपका दिमाग, क्योंकि आपका मोशन, दिमाग का जो मोमेंटम है ना, वो एक डायरेक्शन में है, सोने के डायरेक्शन में पड़ रहा है, कोई गाना बजाना दिमाग खराब हो जाता है, ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई कुछ डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट एक मोमेंटम में है। अब जैसे अब इसी चीज को यहां समझना, ट्रेडिंग में जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो आपका माइंडसेट फिक्स हो गया है कि 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट कमाना है। अब ट्रेंडिंग मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट आ गया, वहां पे मिलना है आपको 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, और आप जो है सो हर बार दिमाग में रह रही यार 50 पॉइंट तक आप बुक नहीं करोगे, क्योंकि आपने दिमाग में 70 पॉइंट, 80 पॉइंट या 100 या 150 पॉइंट बुक करेंगे, तो 50 पॉइंट भी आपके हाथ से निकल गया, और आप एक बार एसएल खाओगे, दो बार एसएल खाओगे, तीन बार एसएल खाओगे, तो जितना इधर कमाए थे इधर खत्म। अब ध्यान से सुन रहा, तो इनर्सिया क्या है? इनर्सिया मोमेंटम में था मार्केट, तो आपका दिमाग तुरंत मतलब चेंज नहीं हुआ, साइडवेज मार्केट तरफ नहीं गया, तो आपने जो कमाया होगा वहां दिया। अब साइडवेज मार्केट की इनर्सिया कैसी होती है? 10 पॉइंट बुक करना है, 20 पॉइंट बुक करना है, 30 पॉइंट बुक करना है, और अचानक से मूवमेंट आने लगा 200 पॉइंट का, लेकिन आपकी इनर्सिया जो है वो 10-20 पॉइंट पे फिक्स है। तो अब क्या होगा कि आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट बुक करके फिर चुप हो जाओगे, और वहां से 200 पॉइंट जाएगा टॉप पे, बुक करोगे जो बाइक है तो भी चला गया हाथ से, फिर आप हाथ पछताते रह जाओगे। तो ये माइंड सेट साइकोलॉजी का जो गेम है ना, ये आपका दिमाग आपसे खेल रहा है, आपका पैसा बर्बाद कर देगा और आप खत्म हो जाओगे। बात मानो हमारी, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस पे अब हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है और इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे मतलब कि एकदम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि कब ट्रेंडिंग मार्केट आता है और कब साइडवेज मार्केट आता है। आप हमेशा एक तरीके से काम करोगे तो नुकसान तो होगा ना, 100% नुकसान होगा। अब जैसे देखो आप ध्यान से सुनना आप इस चीज को, अब यहां पे हम 15 मिनट के चार्ट पे हैं, देखना आप, अब ये तो पूरा मिट गया उसको छोड़ दो, 15 मिनट के चार्ट पे आओ। एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, जैसे अब यहां पे हम यहां से इस हाई को अगर फिबोनाची लगाते हैं तो ये देखो 0.236, 0.382 के एरिया है, तो जब तक ये हाई नहीं निकलेगा,
जब तक ये हाई नहीं निकलेगा तब तक ये मार्केट यहाँ साइडवेज है, इसके ऊपर गया फिर ट्रेंडिंग हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा कि फिर जो है सो मार्केट एक अच्छा खासा डायरेक्शन के बाद में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा वहां जाके फिर से रुकेगा। जैसे यहाँ पे यहीं से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ रुका साइडवेज चला गया, यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर आया यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से फिर साइडवेज चला गया। तो जब भी मार्केट एक नीचे आता है तो तुरंत वहां से मूवमेंट नहीं करेगा, या फिर आप जो है सो ज्यादा ही आपको दिक्कत है तो आप RSI लगा लो। यहाँ पे देख लो आप, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही ना, तो आप RSI लगा लो। अभी RSI पे हमारे वीडियो आने बाकी हैं, बहुत सारे वीडियो आने हैं RSI पे अभी थोड़ा दिन के बाद में, अभी हमने एक ही लेक्चर शायद RSI पे डाला है। तो मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं, RSI नहीं लगाना है तो दूसरे भी मेथड है, हम वो भी बता देंगे आपको। अब जैसे देखना आप, ये टॉप बना ना मार्केट का, RSI टॉप पे है, तो यहां से अभी RSI दो बार ट्रेवल कर फिर से निकला, फिर यहाँ टॉप बना, फिर से नीचे आ गया। अब RSI यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट आएगा याद रखना, फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर नीचे बाइंग आ रही। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे RSI भी आपका फेल करेगा, यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड लगा लो आप। तो देखो अब यहाँ पे है कि बोलिंजर बैंड में जब भी मार्केट यहाँ पे अगर आपको यहाँ मिल जाता है तो ये सबसे सही चीज होता है ट्रेंडिंग मार्केट में। अब बोलिंजर बैंड में अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में मार्केट घूम रहा है, तो इससे बढ़िया कोई चीज RSI भी छोड़ दो, बीच बीच में बोलिंजर बैंड लगा के देख लो कि क्या कर रहा है, अपर बैंड लोअर बैंड के बीच में घूम रहा है ना, साइडवेज मार्केट है। या फिर ये समझ लो कि ये जो है हाई, ये हाई नहीं निकाल रहा है, जब भी ऊपर जाता है रेजिस्टेंस, जब भी नीचे सपोर्ट, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूम रहा है, तो आपको वैसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। या फिर जब जैसे कुछ दिन का, जैसे एक दो दिन, दो दिन तीन दिन आपका ट्रेंडिंग हो गया, एक दिन साइडवेज तो होगा ही यार, उस दिन नहीं ट्रेड करोगे तो मर थोड़े जाओगे। आपको सबसे पहले ये पहचान में आना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग कब है और मार्केट साइडवेज कब है, पहला बात ये है। और जब ये सारा चीज अगर आप पहचान जाते हो, उसके बाद क्या करना है, दिन भर में एक या दो ट्रेड करना है। एक बार SL हो गया ना, शांत हो जाओ, बैठ जाओ भैया, आज हो गया, आज नहीं करेंगे, दो ट्रेड कर लिए, अब मैक्सिमम समय तीन ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं, नहीं हो रहा है बंद करो, खत्म करो, आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कल भी तो है, परसों भी तो है, पैसा बर्बाद करने से तो कोई कुछ नहीं होना है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको जैसे आप मोमेंटम में, मोमेंटम का मार्केट कैसे होता मैं बता रहा हूं आपको, देखना आप जैसे यहां पे है, ये जो है सो मोमेंटम का मार्केट है, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग आ गई, यहाँ से ये सपोर्ट था, यहीं से बाइंग आ गई, लेकिन मोमेंटम इतना भर मिला है। लेकिन अगर इधर देखोगे मोमेंटम का मार्केट, देखो आप ये है 7 तारीख का मोमेंटम का मार्केट है, एक बार यहाँ ट्रेड बनाए फिर मार्केट नीचे नहीं मुड़ के आया, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिल गया, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिल गया, या फिर आपको ये आया रिट्रेसमेंट करने जब गया उसके बाद आ गया। तो आपका एक सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप पे जब ट्रेड बनेगा तभी ट्रेड करेंगे। जैसे 9 EMA का हमने बताया कि 9 EMA क्रॉस करके जब 9 EMA को रिटेस्ट करे तो एक बढ़िया ट्रेड बन जाता है, 9 EMA को क्रॉस किया और फिर यहाँ रिटेस्ट किया बढ़िया ट्रेड बन गया, 9 EMA को क्रॉस किया रिटेस्ट किया बढ़िया ट्रेड बन गया, 9 EMA को क्रॉस किया रिटेस्ट किया एक छोटा सा ट्रेड बन गया, यहाँ पे देखो 9 EMA को क्रॉस किया रिटेस्ट किया एक बढ़िया ट्रेड बन गया। तो ये सब चीजें कोई एक सेटअप होगा जो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि हमें हमारे ट्रेड कब बन रहे हैं, पहली बात तो ये है। और जब वो सेटअप पे ट्रेड बनता है तो ठीक है, हर कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती है, और उसमें एक बार SL हो गया तो फिर चुपचाप बैठेंगे जब तक कि हमारा नेक्स्ट सेटअप नहीं बनता है, और जब दूसरा सेटअप बनेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो इसका सबसे बड़ी चीज ये है, लंबा वीडियो तो नहीं हो गया ये, अच्छा 13 मिनट का, चलो ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है कि इसके बचने के लिए हमें सबसे पहले हमारा एक सेटअप को फिक्स करो, तुम्हारे लिए कौन सा सेटअप अच्छा है वो आप डिसाइड करो, लेकिन एक सेटअप फिक्स करो कि हमें सेटअप पे ट्रेड करना है, सेटअप फिक्स्ड करो कि हमें सेटअप पे ट्रेड करना है। सेटअप पे फिक्स हो गया, सेटअप फिक्स होने के बाद में फिर जो है सो आप SL को फिक्स करो कि हमें कितना स्टॉप लॉस लेना है, तो SL को फिक्स करो। और जब सेटअप और SL फिक्स्ड हो गया है तो अब इसके बाद में आप एक चीज बताओ मुझे, क्या बचता है? आपका सेटअप फिक्स हो गया, आपका SL फिक्स हो गया है, और जब सेटअप पे ट्रेड बनेगा तभी ना करोगे। अब ऐसा नहीं कि एक मिनट का सेटअप पकड़ लिया और दिन में 200 ट्रेड बनता है तो 200 ट्रेड करते रहे, नहीं, गलत बात है। सेटअप आपका क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन हो सकता है, EMA हो सकता है, बोलिंजर बैंड हो सकता है, या फिर जो है सो आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, या मतलब कोई भी सेटअप जिसपे आप ट्रेड करते हो उसको फिक्स कर लो और उसी पे काम करो। और ये इनर्सिया वाला जो गेम है इसको हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में जब भी साइडवेज से ट्रेंडिंग होगा तो वहां पे आपको जो है सो सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है, जितना आपको मार्केट दे रहा है उतना लो, उसको छोड़ो नहीं, तब ना जाकर के साइडवेज मार्केट का लॉस कवर करोगे। और नहीं तो कहां से, आप इधर भी गंवा रहे हो, मार्केट ट्रेंडिंग है तो भी गंवा रहे हो, साइडवेज है तो भी गंवा रहे हो,
तो सब कुछ छोड़ के पहले पेपर ट्रेडिंग करना शुरू करो। और पेपर ट्रेडिंग कौन सा, जो मैं वीडियो बनाया हूँ, जिसका फिक्स कैपिटल है, ताकि आपको 10 लाख दिया गया भाई 10 लाख जीरो हो जाएगा फिर से, कम से कम आपका पर्सनल पैसा तो नहीं जाएगा ना, घर का पैसा तो नहीं जाएगा ना, और जब सीख जाओगे तो फिर कर लेना यार। तो ये सब चीजों को ध्यान दो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत टफ काम है और 3% सक्सेस रेट है। अच्छा, अब इसके बाद में साइकोलॉजी में एक और चीज को हम बताएंगे आपको, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका बॉडी और माइंड, तो सबसे बड़ी चीज आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है, जो आपका माइंड है ना, माइंड वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तो माइंड को आप जितना मतलब शांत रखोगे ना, ट्रेडिंग उतना ही बेहतरीन होते जाएगा आपका, इस चीज का ध्यान रखना। तो माइंड को हमेशा जो है आप शांत रखा करो, कि जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो शांत मेडिटेशन करो, बैठ करके मेडिटेशन करो। और एक चीज का ध्यान रखो, आपकी बॉडी और आपकी माइंड अलाइन होनी चाहिए। 99% लोगों की जो बॉडी है, जो माइंड है, वो अलाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को समझना आप, ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखना कि आपके बॉडी का कंट्रोल किसके पास में है, आपके बॉडी के कंट्रोल किसके पास में है। तो हमारे बॉडी के कंट्रोल हमारे दिमाग के पास में है, हमारे बॉडी का कंट्रोल हमारे दिमाग के पास में है। तो क्या हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे बॉडी के पास में है क्या? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि है, लेकिन वो कब है, इसके लिए हम आपको एक दिन बताएंगे मेडिटेशन का तरीका। तो आप एक चीज को ध्यान रखना कि बॉडी और माइंड, माइंड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन क्या बॉडी भी माइंड को कंट्रोल कर रहा है? कर रहा है। तब जब आप जब सांस को इनहेल करते हो और जब एक्सहेल करते हो, मतलब सांस लेते हो और जब छोड़ते हो, उस व्यक्ति का सांस जिसका छोटा सांस है और ज्यादा तेज चल रहा है, उसका माइंड जो है सो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, वो आदमी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तुम ये सोचो, तुम्हारा नेचर ट्रेडिंग के लायक है कि नहीं है। अगर तुम्हारा नेचर ट्रेडिंग के लायक नहीं है तो पहले उसको फिक्स करो, उसको जरूरी है फिक्स करना, नहीं तो तुम 2 मिनट में लोगे, 2 मिनट में काटोगे, 2 मिनट में लोगे, 2 मिनट में काटोगे, और लॉस होते रहेगा और पैसा जाते रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग आप ट्रेडिंग के लायक पहले बनाओ। उसके लिए जो है सो मेडिटेशन करो, सांस की संख्या को फिक्स करो, थोड़ा धीरे धीरे सांस लो, थोड़ा लंबी सांस लो, थोड़ा गहरी सांस लो, मॉर्निंग में उठो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा घूमो, और बॉडी और माइंड को अलाइन करो। जब बॉडी और माइंड अलाइन हो जाए, जब आप शांत हो जाओ, फिर आप ट्रेडिंग के लायक बनोगे। पहले तो आप उसके लायक तो बनो, मार्केट के लायक बनोगे तो ही मार्केट पैसा देगा। अदरवाइज मार्केट 7 जन्म में तुम्हें 1 पैसा नहीं देने वाला, तुम कितना भी ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो। तो पहले तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा इस मार्केट में, उसके लिए आपकी बॉडी माइंड और बाजार के चाल को सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, बाजार की चाल को समझना पड़ेगा। सुबह बैठे और मार्केट खुलते हैं, तुम्हें ये नहीं पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और तुम बाइंग और सेलिंग करोगे, क्योंकि बाइंग और सेलिंग तुम्हारे पास पैसा आसान है, कभी पैसा नहीं बनेगा, 7 जन्म में पैसा नहीं बनेगा। तुम्हें ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, सुबह मार्केट में बैठे हैं तो तुम्हें ये पीछे जाके देखो कि मार्केट यहाँ से खुला है तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और तुम कितना परसेंट सही या गलत हो रहे हो चार्ट पे प्रिडिक्ट करो, और उसके बाद ही फिर ट्रेडिंग के बारे में सोचना, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।